माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 35A पार्ट 2 करने जा रहे हैं। क्या कुछ है? ऑलरेडी हम इसमें पार्ट ए में ये प्रूव कर चुके थे कि ये एक्सटेंशन इससे लेस नहीं हो सकती, इसकी डिग्री इससे लेस नहीं हो सकती। हमारा मेन टारगेट था कि इसको इक्वल प्रूव करना। Now, we assume that कि इस एक्सटेंशन की डिग्री n से बड़ी है। यदि हम इसको भी फेल कर देते हैं तो हमारा टारगेट प्रूव हो जाएगा कि इक्वल है। इफ पॉसिबल, यदि संभव है, तो यदि ये संभव है देन देयर एग्जिस्ट्स ए सेट कंटेनिंग एन प्लस वन एलिमेंट्स ऑफ के। यदि ऐसा संभव है तो एक सेट एग्जिस्ट करेगा जिसमें एन प्लस वन एलिमेंट होंगे ऑफ के, ठीक है? क्योंकि आपने कह दिया कि इस ये एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा n प्लस वन एलिमेंट्स का, कहां से? k से, जिसको हम ये कह देते हैं विच आर बी वन बी टू बी एन प्लस वन। ये मान लिया हमने विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वर्ड ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओवर एफ नोट, ठीक है बेटा। अब हम अगली बात करना चाह रहे हैं। ये तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया, ये एक स्टार पॉइंट है जिसको हमें बहुत बार यूज करना है। अब यदि आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसके अंदर इक्वेशंस तो हैं आपके पास एन और वेरिएबल्स हैं एन प्लस वन, सिस्टम है होमोजीनियस सिस्टम, तो क्या होगा? तो उसका क्या निकलेगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑल आर नॉट जीरो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है बेटा। अब हम ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम बना दिया, ये एन प्लस वन तो वेरिएबल, ये जो जे की वैल्यू है ना, ये वन होगी तो पहली इक्वेशन, दो होगी तो दूसरी इक्वेशन, तीन होगी तो तीसरी इक्वेशन। इस सिस्टम में टोटल एन तो वेरिएबल होंगे और एन प्लस वन इक्वेशन, सॉरी एन प्लस वन वेरिएबल होंगे और एन इक्वेशन होगी। अब दूसरे एन इक्वेशन एन प्लस वन वेरिएबल, ये एक जो है ना सिग्मा जे, ये क्या है यहां पर? ये के से के तक ऑटोमॉर्फिज्म है। के से के तक क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म। बीजे किसका एलिमेंट है? के का। एक तो बात है, ये एलिमेंट जो है ये भी के का जाएगा, और ये जो एक्साइज लिए हैं यानी कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन प्लस वन, ये भी के से हैं बट नॉट ऑल जीरो। क्यों जीरो नहीं है? अभी बताया ना कि ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देने वाला है, जिसका मतलब है कि ऐसा पॉसिबल है कि सारे जीरो ना हो। अब हम एक कंजंक्शन करने जा रहे हैं, लेट अस सपोज द एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू एक्स एन प्लस वन। मैंने बताया ये नॉन ट्रिवियल है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे।
उसमें से हम ऐसा एक सॉल्यूशन लेना चाहते हैं आर सो चूजन दैट एज फ्यू एज पॉसिबल आर नॉन जीरो, यानी कि नॉन जीरो की वैल्यू कम से कम है, एज फ्यू एज पॉसिबल। ठीक है, अब इस छठी इक्वेशन की इंपॉर्टेंस पर आइए। छठी इक्वेशन हमें क्या देती है? अब तक आपने ये कहा कि सारे एक्साइज के में, अब हमारा टारगेट ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि इनमें से कम एक एक्साइज ऐसा होगा जो इस एफ नोट में नहीं होगा, और उस बात को प्रूव करने के लिए सटार को यूज करना है। क्या प्रूव करना है? एम क्या है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम एक्साइज, वन ऑफ एक्साइज नॉट बिलोंग्स टू एफ नोट। क्या प्रूव करना है फिर सुन लो कि इनमें से एक एक्साइज जरूर ऐसा होगा जो एफ नोट में बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अब थोड़ी सी बातों को आगे ले जाने के लिए हमने मान लिया, सपोज ऑल एक्साइज बिलोंग्स टू एफ नोट, सारे के सारे एक्साइज एफ नोट में बिलोंग करते, और पहली ऑटोमॉर्फिज्म का नाम मैंने रखा था आइडेंटिटी रख दिया। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। ये ऑटोमॉर्फिज्म यहां लगाओ, ये ऑटोमॉर्फिज्म हमें, ये आइडेंटिटी है, बी आई का बी आई ही रहेगा एन प्लस। ये इक्वेशन क्या बनी जी? बी वन एक्स वन, बी टू एक्स टू, बी एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन। ध्यान से सुनिए बेटा, ये सारे एलिमेंट किसके हो गए जी? के। आपने ये कह रखा है कि ये जो सेट है ये एफ नोट के ओवर एल आई है, और ये एलिमेंट यदि सारे एफ नोट में होते हैं तो ये सेट एल आई हो जाना चाहिए। एल आई होने का मतलब है एक्स वन एक्स टू एक्स एन प्लस वन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, बट आपने तो यहां क्या कहा है? नॉन जीरो, विच इज ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किसके साथ? इस बात के साथ कि आपने ये कह दिया था कि सारे के सारे एक्स आई किस में बिलोंग करेंगे? एफ नॉट में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक एक्स आई ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो किस में बिलोंग नहीं करेगा? एफ नॉट में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम ये बात ले सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स आई विच इज नॉट बिलोंग टू एफ नॉट, जो कि फिक्स फील्ड से बिलोंग नहीं करेगा। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, आपने यहां कहा था हमने जो है इनको ऐसे चूज किया है कि ये एज फ्यू एज पॉसिबल नॉन जीरो, एज फ्यू एज पॉसिबल नॉन जीरो। तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि एक्स वन नॉन जीरो है, एक्स टू नॉन जीरो है, एक्स आर नॉन जीरो है। एक्स आर तक तो नॉन जीरो है, और एक्स आर के बाद वाले सारे क्या हैं? ये सारे जीरो। एक तो बात क्लियर हो जाएगी, इस आर की वैल्यू एन प्लस वन या एन प्लस वन से छोटी होगी। ठीक है बेटा, एन प्लस वन या एन प्लस वन से छोटी होगी। यदि मैं आर तक के तो नॉन जीरो मानता हूं और बाकी सारे जीरो मानता हूं, तो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? जो इक्वेशन अभी वन से एन प्लस वन तक थी वो अब चेंज होके वन से आर तक आ जाएगी। कितनी बच जाएंगी जी? आर तक ही बच जाएंगी। इसका नंबर दे दिया आपने सात। क्यों बच गई आर तक? क्योंकि आर के बाद के सारे एक्स आई तो जीरो हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये सात नंबर जो आई, उस सात नंबर को हम थोड़ा सा डीपली अध्ययन करें तो क्या है? सात नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो,
जे की वैल्यू आपकी वन से एन तक है, ठीक है। ये देखो, अब आपने कहा ये नॉन जीरो है, इससे मैं डिवाइड कर देता हूं, एक्स वन बटे एक्स आर, एक्स आर माइनस वन बटे एक्स आर, ये आ गया। अब क्या है, यदि मैं इस ऑटोमॉर्फिज्म, वैसे तो जे की वैल्यू वन से एन तक है, यदि मैं इसको आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म ले लूं एक मिनट के लिए, तो क्या बन जाएगा, और इनको मैं मान लेता हूं वाई वन वाई टू, क्या लेट किया इसको मैंने, वाई आई, और ये वाई आई नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आपने कह रखा है ये जीरो, एक्स आर जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो दीज आर नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, दूसरी बात, एक्स आई और ये किस में है, के में है, ये भी के में जाएगा। यदि मैं यहां पर वन ले लेता हूं, तो ये बनेगा बी वन वाई वन, बी टू वाई टू, बी आर माइनस वन वाई आर माइनस वन, एंड वाई बी आर इक्वल टू जीरो। ओके, इस बात का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होने वाला है। अब मैं एक वर्ड बोल रहा हूं कि ये तो मैंने कह दिया के में है, वाई वन वाई टू वाई आर माइनस वन ऑल डज नॉट बिलोंग्स टू एफ नॉट, ये सारे एफ नॉट से बिलोंग नहीं कर सकते। यदि ये सारे एफ नॉट से बिलोंग करते, तो ये एलिमेंट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाता, ये एलिमेंट बी आर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बी, किसका लिखा जाता, बी वन बी टू बी आर माइनस वन, ओवर एलिमेंट कहां से है, वाई नॉट। यदि ऐसा हो जाता, तो बी आर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वन बी टू बी आर माइनस वन ओवर एफ नॉट, तो ये तो फिर क्या बात आ जाती, ये बात एलडी वाली आ जाती, जबकि ये सेट वाई बी वन बी टू बी आर प्लस वन तक का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कंट्राडिक्शन हो जाता। ये सारे किस में नहीं बिलोंग करेंगे, एफ नोट में बिलोंग नहीं करेंगे। तुमने मान लिया कि वाई वन डजेंट बिलोंग टू एफ नोट, वाई वन एफ नोट में बिलोंग नहीं करता है, तो इसके साथ कुछ खासियत जुड़ेंगी, उस खासियत की बात पर भी मैं आने वाला हूं, बट मैंने वाई वन ही क्यों माना है इस पर भी आ रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इफ आर इज इक्वल टू वन, मैं कह रहा हूं कि यहां आर वन पॉसिबल नहीं है, यदि आर वन होता तो क्या हो जाता, आर वन होता तो ये लाइन आपकी बनती बी वन इक्वल टू जीरो। यदि बी वन जीरो है, तो जो सेट आपने ये लिया है ना कि बी वन बी टू बी एन प्लस वन, आपने जिसको कहा कि दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेट, कोई भी सेट इंडिपेंडेंट जब होता है, जब उसके पहले तो कंडीशन है सारे वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए, तो ये वेक्टर उसमें जीरो वेक्टर हो गया, तो सेट इंडिपेंडेंट नहीं बचेगा, क्लियर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज नॉट इक्वल टू वन, तो आर वन नहीं लेना है। अब हमने मान लिया कि वाई वन इज, जो एलिमेंट वाई वन है वो एक, इनमें कह दिया मैंने एक एफ नोट में बिलोंग नहीं करेगा, तो हमने उसका नाम वाई वन दे दिया। ओके, अब यदि वाई वन एफ नोट में नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिस एफ नोट का, जिसको वाई नोट वाई वन क्या कर करता है, वाई वन जिससे ऑटोमॉर्फिज्म ऐसी जरूर है जो इसको फिक्स नहीं कर पाती, तो हमने उस ऑटोमॉर्फिज्म का नाम ये ले लिया ऑटोमॉर्फिज्म टू। वन इसलिए नहीं लिया, क्यों, क्योंकि वन जो है आइडेंटिटी और सबको फिक्स करता है, सच दैट ये ऑटोमॉर्फिज्म वाई वन को वाई वन में नहीं भेजती। इसी वजह से हमने ये कहा ये एफ नोट में नहीं, ये इसी का कारण बना, इसका कारण कौन बना, वो कारण हमने ये लिख दिया, ठीक है।
अब जो ऊपर इक्वेशन आपकी बनी थी, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं आर वाली, ये इस इक्वेशन के ऊपर सेकंड ऑटोमॉर्फिज्म लगा दो, और बल्कि में हम वाई वाली के ऊपर लगा देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाई वाली बनेगी है। ये क्या बन जाएगा जी, सिग्मा टू सिग्मा जे बी आई वाई आई, सिग्मा टू सिग्मा जे बी आर। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ग्रुप थ्योरी, वो क्या है उसको सुनिए। आपने ये सेट बना दिया जी, सबको सिग्मा टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑटोमॉर्फिज्म टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है एन तक। तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, ये कुछ और नहीं जो आपका ग्रुप था ना उसमें भी यही एन एलिमेंट थे। आप यदि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब क्या है कि आप वही एलिमेंट तो वही जी के लिख रहे हो। आप देख लेना कोई भी दो एलिमेंट सेम जब होंगे, यदि मैं ये कह दूं ना कि दो एलिमेंट सेम है, इट इज ओनली पॉसिबल यहां पर ग्रुप थ्योरी में जब ये दोनों सेम हो, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ होल्ड ग्रुप थ्योरी में होता है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। अब बात ये है कि यहां पर तो एन है और यहां पर कितने हैं, आर है। तो कई बार हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है जी बाकी कहां गए, बाकियों के आप जीरो 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 जाके ऐड कर लो मल्टीप्लाई करके, जीरो 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 टाइम मल्टीप्लाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे ऐड कर लें वो देखो, जैसे मान लिया ए ए वाई, ये वाई टू हो गया, बीच में एक स्टेप आएगा जी आपका, बी आर। चलते चलते फिर क्या स्टेप आएगा जी, बाकी आपने जीरो से ऐड करनी शुरू कर दी, क्या फर्क पड़ेगा, इनके कोएफिशिएंट जीरो है। मैंने बताया ये दोबारा से वही सेट आ जाना है। तो यहां पर यदि हम दोबारा से सिग्मा जे लिख दें, यहां पर भी, क्योंकि मैंने बता दिया दिस कम्स अगेन द सेम सेट। अब यहां पर जे की जो वैल्यू थी वो वन से एन तक थी, जे वन टू थ्री एन, ठीक है यहां पर भी वही आ जाएंगे। इसका ऐड करना या ना करने का यहां कोई तुक नहीं है, ठीक है। ये जो सेट है ये दोबारा से, क्योंकि देखो यदि यहां वाई वन होता टू होता कोई भी एन में से कोई हो सकता, क्योंकि जे की वैल्यू आपकी इस पार्ट में वन से एन तक है, इस पार्ट का कोई तुक नहीं है। ये जो चीज है ये आपकी दोबारा से यही बन जाएगी, लास्ट स्टेप क्या बनेगा, सेकंड लास्ट तो ये बनेगा और लास्ट ये बनेगा, जे की वैल्यू वन से एन। इतना तो बन गया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे हमारा बहुत अहम फर्क पड़ने वाला है, इसे हम इक्वेशन नंबर 11 बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी पीछे ये इक्वेशन आई थी ए वाली, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सबट्रैक्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए यदि हम इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं
तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। देखो ये मैं कह रहा हूं, देखो ये जो लिखी तो हमारी वही बनाई मैंने कहा, इसको सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं हम, ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है इससे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां से ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और आप कहोगे सर आपने दो पार्ट में कैसे लिख लिया इसकी, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो इसके ऑपरेशन प्रिजर्व से आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैं बताता हूँ, हाउ वी कैन राइट अप दिस थिंग, कैसे हम यहां तक पहुंचे। ठीक है, ओके, वी आर कमिंग ऑन दैट पॉइंट। देखिए बेटा, एक छोटी सी बात रह गई कि हमने इसके ऊपर सिग्मा टू नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि सिग्मा जब लगाएंगे इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, तो सिमिलरली सिग्मा टू इनके ऊपर भी लगेगा, इनके ऊपर भी लगेगा और इनके ऊपर भी लगेगा, और यहां था नहीं इसलिए नहीं लगा। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये सिग्मा टू लगा हुआ बचेगा। अगले स्टेप में उधर से बचेगा वाई टू और इधर से बचेगा ये कट जाएगा क्योंकि दोनों में सेम बचेगा, तो एन आर माइनस वन तक चलेगी चीज। ये चीज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जो आपने माना था ना यही कह रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये नॉट इक्वल टू जीरो है और ये सारे के सारे के में है, दीज आर आर इन के, तो इनके जो ये हमने कॉम्बिनेशन लिखा है, यदि मैं इसमें, आपने एक छोटी सी लाइन बोली थी कि हमने चूज ऐसे किए हैं ये सच दैट कि इनकी संख्या जो है, जो आर ली थी वो लीस्ट थी नॉन जीरो बनने वालों की, अब ये भी नॉन बनने जी बनेंगे नॉन जीरो, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं आर माइनस वन, दिस लीड्स टू ए कंट्राडिक्शन, ये सारे के सारे के में है और इन ये नॉन जीरो पक्का है, इसका मतलब यदि ये कुछ भी नॉन जीरो बनते हैं इसमें से तो उनकी संख्या आर से कम होगी, क्यों, दे आर मैक्सिमम आर माइनस वन। ओके, तो कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन तो ये चीज से कंट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बच गई कि